मुकम्मल कक्षा 5 की छात्रा वाराणसी से हूँ। आज मैं एक प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है गोनू झा, उनके एक किस्से जिसका नाम है गोनू झा के मछली और मेहमान, उस पर अपने एकल नाटक की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ गई, किस कोने में बैठी हुई हो? आ रही हूँ। क्यों सुबह सुबह इतना तेज चिल्ला रहे हैं? देखो तो मैंने तुम्हारे क्या लाया है। अरे वाह, ताजा मछली कहाँ से मिली? सीधा मल्लाह के जाल से। अच्छा, मैं मिस्टर जी की पंचायती से आता हूँ, तब तक इसे बनाकर रखना। अरे पर ये तो बताकर लाइए, मछली के साथ भात खाना है या रोटी? अकेल कहाँ छोड़ाई हो अपना गंगा जी के घाट पर? नहीं, आपकी अलमारी में। थोड़ा सा ले आइए, हमें मछली बनाने में काम आएगा। और थोड़ा सा आप भी ले जाइए, मिस्टर जी की पंचायती में काम आएगा। अरे इसलिए कहते औरतों को अकल नहीं होता है। लो जाओ बनाओ जल्दी से। ठीक है। वाह, कितनी अच्छी मछली है। आज तो हम इतने मन से बनाएंगे ना कि गोनू झा जी अपना उंगली ही चाटते रह जाएंगे। वाह, कितनी अच्छी सुगंध भी आ रही है। आप लोगों को पता है कि नहीं, यही सुगंध सूंघते सूंघते ही तो राम जी अयोध्या से मिथिला गए थे हमारी सीता जी से ब्याह करने। कितने सुंदर थे ना वो चारों भाई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे रंभा बहन आइए आइए, क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ? अरे बहन, वो मिस्टर जी की पंचायती खत्म हो गई ना, तो सोचा कि आपको भी बुला लूं। चलिए ना थोड़ा सा घूम आते हैं। अरे बहन, आप ही तो कह रही हैं कि मिस्टर जी की पंचायती खत्म हो गई, झा जी भी अभी आते ही होंगे, उनके लिए अभी खाना भी तो बनाना है ना। अच्छा मछली आई है, कहाँ से मिली इतनी अच्छी मछली? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही झाजी ले आए। अच्छा ठीक है, सांझ में इस समय मिला तो हम जरूर आएंगे। राधे 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 राधे। देखो तो इसको, इसके घर में बहू बैठी हुई है, सारी सुविधा ले लेती है और हम लोग के पास आती है, चलिए घूमने चलिए घूमने। अरे हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है ना। अरे बाप, देखिए अभी कैसे नजर लगा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम ढक्के मछली बनाने लगे, नहीं तो हमको और झाजी को पछता भी नहीं। अभी हम इसका नजर उतार देते। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था कि जब सांझ में समय मिला तो जरूर आएंगे। कौन इसे मुंह लगाने जा रहा है? अच्छा आप आ गए। रंभा बहू जी आई थी हमको बताने के लिए कि आप आने वाले हैं, मिस्टर जी की पंचायती खत्म हो गई है तो हमने खाना बना के रख लिया है। लगता है आज बड़ी स्वादिष्ट मछली बनी है। ठीक है, हम थोड़ा हाथ मुंह धोकर आते हैं, तुम तब तक खाना परोस देना, ठीक ना? अभी तक मछली नहीं परोसी हो? कितनी बार कहें, हमारे पेट में चूहा बिल्ली कुत्ता सब कुछ कूद रहा है, जल्दी परोसो। हाँ हाँ ला रहे हैं।
परोसो। रुको रुको रुको, पहले ये बताओ कितना खंड मछली बांटी हो? 12 खंड। क्यों, और कितना कितना खाएंगे? अरे आप तो घर के मुखिया हैं, घर के स्वामी हैं, आप दो तिहाई खा लीजिए, हम एक तिहाई में ही संतुष्ट रहेंगे। दो तिहाई माने 8 खंड हम, और एक तिहाई माने 4 खंड तुम। माने हम इतने तुम हमको इतना पेटू बुझे रही हो ना। अच्छा ठीक है, आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा माने 6 खंड तुम और 6 खंड हम। माने मोदी होकर आप तुम हमसे बराबरी करोगी हाँ। अच्छा ठीक है, हम ही दो तिहाई खा लेते हैं, आप एक तिहाई खा लीजिए ठीक। दो तिहाई माने अब तुम 8 खंड खाओगी और एक तिहाई माने अब हम 4 खंड खाएंगे। माने तुम कब से इतनी पेटू हो गई हाँ। अरे अरे राम खिलावन जी, आइए देखिए ये क्या कह रही है। आइए आइए भोला भैया, देखिए तो ये स्त्री तो जुग में छेद कर देगी। आइए आइए विष्णु कक्का, देखिए देखिए मतलब जिस घर का आदमी सिर्फ 4 खंड मछली खाता हो उस घर की औरत 8 खंड खाएगी। बाप रे बाप। आइए आइए रंभा भाऊ जी, आइए देखिए तो इनको क्या कह रही हैं ये तब से। अरे अगर ऐसा हो जाएगा तो धरती ऊपर चली जाएगी, आसमान नीचे गिर जाएगा, ऐसा अनहोनी बात कह रही है ये। अरे क्या हुआ भौजी? गोलू भैया आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे हैं, ये मछली लाए मल्लाह के जाल से और हमको कह दिए कि हम जा रहे मिसर जी की पंचायती में, तुम तब तक खाना बनाकर रखना। हम खाना बना दिए, इसके बाद ये आए सूंघे थोड़ा सा, उसके बाद इनका पूछा पूछी शुरू हो गया कि कितना खंड बांटी हो, कितना खंड खाएंगे। हमने कहा कि एक दो तिहाई आप खा लीजिए, एक तिहाई हम खा लेते हैं, उसमें खिसी आ रहे हैं। फिर हम कहे कि आधा आधा बांट लीजिए, उसमें भी खिसी आ रहे हैं। फिर हम कहे कि हम ही दो तिहाई खा लेते हैं, आप एक तिहाई खा लीजिए, उसमें भी खिसी आने शुरू। अब हम क्या करें? अरे तुमको तो हमारे अलावा कोई नजर नहीं आता है, देख नहीं रही हो चार वो पाहुन आए हुए हैं घर पे। अरे गोलू बेटा तो हमें भी मछली भात खिलाओगे? अरे वाह, हाँ लग रहा है आज तो बड़ी स्वादिष्ट मछली भात बनी है। हाँ हम जानते नहीं है क्या, हम तो आए थे यहाँ पर थोड़ी देर पहले, बड़ी अच्छी लग रही थी मछली और स्वाद भी सुगंध भी बड़ा अच्छा आ रहा था। अरे रंभा भौजी आप लोग पाहुन थोड़ी ना है हमारे घर के, आप लोग तो हमारे घर के ही सदस्य हैं। आइए आइए राम खिलावन जी, हम आपको हमारे पहले मेहमान से मिलवाते हैं। देखिए वहाँ पे अलमारी के पीछे देखिए तो वहाँ पे हमारे एक भाई जी आए हुए हैं। आइए आइए भाई जी, आइए आइए। अरे बाप रे बाप, आपका तो इतना बड़ा मूढ़ी है, इतना बड़ा मूढ़ी तो हमारी बेटी का भी है। खाना है बड़का वाला बेटी, आइए ना खिला लेते हैं। खाइए खाइए, खा लीजिए खा लीजिए, अच्छे से खाइए, यहाँ पे एकदम मुग्ध होकर खाइए अच्छे से। आइए आइए भोला भैया, आइए हम आपको दूसरे पाहुन से मिलवाते हैं। देखिए यहाँ पे बिछौना के नीचे देखिए तो हमारे एक भाई जी यहाँ पे भी आए हुए हैं। आइए 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 आइए, उठिए। अरे बाप रे बाप, आपका तो इतना बड़ा पेटी है, इतना बड़ा पेटी तो हमारी मछली का भी है। खाना है बड़का वाला पेटी, खिला सकते हैं हम अभी, खिला सकते हैं। आइए खा लीजिए, खाइए खाइए खा लीजिए, अच्छे से खाइए, यहाँ पे एकदम शांति का माहौल है, अच्छे से खाइए। अरे विष्णु कक्का आइए, हम आपको तीसरे मेहमान से मिलाते हैं। देखिए वहाँ पे बक्से के पीछे देखिए तो, आइए आइए भाई जी। अरे आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आपको पता नहीं है ये हमारे विष्णु कक्का हैं, हमारे गांव के सबसे आदरणीय हैं। आपको इनका पैर छूना चाहिए भाई, छूइए छू लीजिए पैर, अच्छे से छूइए, ये हमारे सबसे आदरणीय हैं, आप इसको भूलिएगा मत समझे। आइए रंभा भौजी, भौजी देखिए तो जिस दरवाजे से आप आई थी ना हमारे घर में, उसी दरवाजे के पीछे आपके नए घर से आया हुआ आपका भाई दुबक गया है, जाइए थोड़ा सा मिल आइए। अरे तुम मेरा
मेरा भाई है, भाई है नैहर से आया है, तो चूड़ा भुजा लाते ना, ऐसे क्यों खाली आए हो? हाँ लाए क्यों नहीं बता, ऐसे क्यों खाली हाथ आए हो नैहर से? अरे लगता है कि हमारे मेहमानों का स्वागत सत्कार सब हो गया है, खाना भी हो गया अच्छे से। विष्णु कक्का आप एक कष्ट करेंगे, आप ना हमारे सभी मेहमानों को थोड़ा गांव वालों के भी पास ले जाइए, आखिर बोलो भी तो आदर सत्कार करने के लिए रहेंगे ना। और हाँ रंभा भौजी, आप ये आप हमारे मेहमानों को ना दलान तक भी ले जाइएगा, वहाँ मुखिया जी के पास भी तो रहना चाहिए ना परिचय। ठीक है प्रणाम। अरे बाप रे बाप, अब तो सच्चों में बहुत भूख लग गई है, जल्दी परोसो, अब तो हम मरिए जाएंगे। मरे आपका दुश्मन ऐसे क्यों कहते हैं, कितना खंड देना है? अब तुम अपनी बातों में हमको ना फंसाओ, जितना खंड दोगी हम उतना ही खा लेते हैं। अच्छा ठीक है ले लीजिए। वाह बहुत अच्छा है। अच्छा बना है, स्वाद सब ठीक है ना? हाँ हाँ मसाला भी बहुत अच्छा है, पर आपको ये नहीं समझ में आया कि तुम हमारा मुंह क्यों ताक रही हो, लाओ अपना भी खाना परोसो। अरे नहीं नहीं आप पहले खा लीजिए उसके बाद हम खाएंगे। अरे ऐसे कैसे होगा, तुम भी अपना खाना परोसो, और हम तो कहते हैं कि आज तुम हमारी ही थाली से खा लो। ठीक अच्छा ठीक है, पर हमारे मन में प्रश्न था। हाँ हाँ पूछो पूछो। आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में चोर आए हुए हैं? वो क्या हुआ ना, हम जब मिसर जी की पंचायती में जा रहे थे तब हमको चार वो आदमी दिखा था, वो हमारे घर के अगल बगल झांक रहा था। हम समझ गए कि ये लोग आज चोरी करेंगे ही और हमें इसको रोकना पड़ेगा। वाह इसी बात पर एक तिहाई मछली हम आपको देते हैं, एक तिहाई मछली हमारे लिए और एक तिहाई मछली हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, आप लोग भी खाइए ना ये मछली है। और हाँ ये मत भूलेगा, ये ऐसी वैसी मछली नहीं है, ये मिथिला की मछली है, जहाँ से जिसकी सुगंध सुनकर राम जी अयोध्या से मिथिला आ गए थे हमारी सीता जी से ब्याह करने। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल।